हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100 एनआईटी के एनआईटी विधानसभा के भड़ाना चौक पे मौजूद हूं। और आप सामने देख सकते हैं लोगों ने जो है रोड जाम कर दिया, भीड़ इतनी है। और बात करेंगे लोगों से, क्या कोई आया सुनने हमारी, जाम कैसे खुलवाती, कोई आया सुनने हमारी, किससे बात हो गई, क्या दिक्कत परेशान क्या है, पानी भी नहीं आता, लाइट भी नहीं आती, ना गली में कोई नाली साफ करने आता है। अभी 10-15 दिन पहले भी आपने रोड जाम करी थी। हाँ भैया, कोई सुनता नहीं, कोई निकल के बाहर नहीं आता, ना कोई प्रधान आता है, ना कोई मंत्री आता है, बस वोट मांगने को आ जाते हैं। बताओ कैसे जिएंगे हम। तो विधायक नीरज शर्मा के पास नहीं गया, कोई नहीं आता, सुनता ही नहीं है। नालियों में कितना कीचड़ है, हैं बच्चे खेलते हैं, गंदगी, डेंगू हो जाता है बच्चों को, कोई नाली साफ नहीं। ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो ये भी धूप में खड़े हैं। अब बताओ इन बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। छोटे यहाँ तक इतनी देर से सब जाम लगाए, कोई निकल के सामने आया, कोई पूछने आया क्या परेशानी है आपको। विधायक के पास जाते क्या कहते हो? विधायक भैया सुनते ही नहीं, अंदर जाने देगा कोई? क्या बोलते, क्या बोलते? कुछ भी नहीं बोलते, कहते हैं विधायक घर में ही नहीं है। और क्या, ऐसे ही बोल देते हैं। कोई 10 दिन पहले भी आपने रोड जाम करा था, करने आए थे, नाली साफ करने आए थे, कैमरा ले लेके फोटो ले गए, एक दिन नाली साफ हुई है, उसके बाद कीचड़ भी दरवाजे पे पड़ी है और नाली का कूड़ा भी नाम की साफ करके गए, ऐसे फेंक के चले जाते हैं। काले महीने में एक बार नाली साफ करने आते हैं सर। लाइट का क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में कंटिन्यू दी जाती है, लेकिन कॉलोनी में लाइट हमेशा काट दी जाती है। पानी की समस्या, पानी जब चालू किया जाएगा, जब कॉलोनी में लाइट काट दी जाएगी। कितने दिनों से दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत पिछले 1.5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, और पानी इतना महंगा भर रहे हैं टैंकर वाले, 70 का ड्रम, 80 का ड्रम। हम कैसे जिएंगे, हम खाना खाएं या पानी पिए? यहाँ पे लाइट काट रखेंगे जिससे मोटर ना चल पाए। इतनी कड़ी धूप है, आप कब से खड़े हैं? सुबह से खड़े हैं। सुबह से कोई आया नहीं? कोई नहीं आया। सर मैं ये कहना चाहूँ, दोनों जगह पे ये होता है, कॉलोनी में दिखाया जाता है जी ये फाल्ट आ गया, बिजली काट रहे, और उधर ये दिखाया जाता है जी हमने मोटर पूरे दिन चला रखी थी, उधर मोटर चला देते हैं, लेकिन सीधा सीधा पानी नहीं आ रहा, बिजली की भी समस्या है। और बात करेंगे, और लोग भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हाँ जी, क्या दिक्कत है? बड़े भाई दिक्कत में बहुत है, मैं तो फांसी खाने वाला हूँ, और कुछ नहीं है, मैं इतना परेशान हो गया उस लाइट से बहुत ज्यादा। विधायक के पास नहीं गए? नहीं, एक तो मेरा बयान हुआ वैसे परेशान में ना, विधायक के पास लाइट से परेशान में बहुत ज्यादा। विधायक के पास नहीं गए? विधायक जी ये कहते घर जाओ जी, लाइट आ गई है। अच्छा, ठीक है, फिर काट देंगे, शाम को फिर काट देंगे, काट देंगे वो लाइट, वो तो सो रहे एसी में। हम गए चौकी में, चौकी वाले ये कहने लग गए कि इन 4 बजे पानी नहीं घर नहाने को। ठीक है, देख सकते हैं अभी लोग इतने आक्रोश है, इतने गुस्से में है लोग, तपती धूप में यहाँ खड़े हैं, रोड जाम कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं पहले भी 10 दिन पहले भी जो है भड़ाना चौक जाम किया गया था, उसका कोई अभी तक समस्या दूर हुई नहीं है, और लगातार लोग यहाँ परेशान हैं। विधायक को बोलने जाते तो कहते विधायक घर पे नहीं है, बाद में आइएगा, झूठा आश्वासन दिया जाता है। साफ साफ आपको बताते, झूठा आश्वासन दिया जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग जो है पुलिस वालों से लड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं आप, यहाँ लोग जो है पुलिस वालों से लड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं इतने गुस्से में है लोग, इतने परेशान हैं, आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्म लगा दिया। देख सकते हैं आप लोग इतने गुस्से में हैं, जो पुलिस वालों से लड़ाई कर रहे हैं, देख रही है आम जनता को पुलिस मार रही है, आप सब लोग देख रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग इतने आक्रोश हैं, पुलिस वाले भी पुलिस वाले गले मान पकड़ पकड़ के इस पुलिस वाले का नाम सुरेश कुमार। अच्छा, देख सकते हैं हम लोग इतने परेशान हैं, रोड जाम कर दिए बढ़ाना चाहो, और पुलिस वाले जो है और लगातार जो है यहाँ समस्या इतनी बढ़ती जा रही है पानी की। विधायक जो है
और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे इतने परेशान हैं और सड़क जाम कर दिया, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े। अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, ये अपने घरों में अपने परिवार को कोई खुश नहीं है क्या? ये हाथ छोड़ते हैं, ये रोकते हैं हम लोगों को, जाम भी लगाने मारने के लिए तैयार हो कोई आवाज भी उठाते हैं, पांव को भी दबाते हैं, अपनी वर्दी का रोक दिखाते हैं, क्या इनके ऊपर कोई नहीं देख सकते हैं। लोग यहाँ लगातार परेशान हैं और आप देख रहे थे सिटी न्यूज 100। नमस्कार।